हाय वीवर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मार्केट जैसे ब्रेड क्रम्स बनाने के दो तरीके आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो बहुत ही आसान है। आसान फूड रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आपको बताएंगे कि ब्रेड से और ब्रेड की किनारियों से ब्रेड क्रम्स कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेड का इस्तेमाल करके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर ली है 200 ग्राम ब्रेड। तो हमने यहाँ पर जो ब्रेड्स ली है उसको इस तरह से तोड़कर मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ब्रेड को हम इसी किनारियों के साथ मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कटलेट, कबाब वगैरह को क्रिस्पी बनाने के लिए उसे ब्रेड क्रम्स की कोटिंग दी जाती है और मार्केट में ये बहुत ही महंगी मिलती है। हम आपको आज बहुत ही आसानी से सस्ते में ब्रेड क्रम्स बनाने का तरीका बताएंगे। तो इस तरह से ब्रेड को उसकी किनारियों के साथ मिक्सी जार में हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे कि हम इसे दरदरा पीसेंगे। तो इस तरह से हमने ब्रेड को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। देखिए, हमें इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना, इस तरह इसे दरदरा पीसेंगे। हमने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर पैन अच्छे से गरम कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्राइंड की हुई ब्रेड। देखिए, गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि काफ़ी सारे स्टार्टर्स में ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ एरिया में ब्रेड क्रम्स अवेलेबल नहीं होते, इसलिए आज हमने इसकी रेसिपी को शेयर किया है। मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें यहाँ पर 5 मिनट हो चुकी है। इसी के साथ ही ड्राई होने लगी है। अगर आप इसे ओवन में बनाना चाहते हैं तो 150 डिग्री पर 5 से 7 मिनट के लिए इसे सेक लें। ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो जाएगी। क्योंकि हम इसे गैस पर बना रहे हैं, इसलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से रोस्ट करते रहना है। ये देखिए, ये क्रिस्पी होने लगी है। अब हम इस तरह से 2 स्पैचुला की मदद से इसे मीडियम फ्लेम पर कुछ देर तक और रोस्ट करेंगे। इसे लगातार चलाते हुए हमने 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लिया है। इसी के साथ ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए, कितनी क्रिस्पी ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हुई है। तो लीजिए, बनकर तैयार है ब्रेड से बने हुए ब्रेड क्रम्स। अब हम आपको बताएंगे कि ब्रेड क्रम्स को ब्रेड की किनारियों से कैसे बनाएं। अब हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे ब्रेड की किनारियों का इस्तेमाल करके, वो भी बिना गैस जलाए, बेहद आसान तरीके से। अक्सर हम कोई डिश बनाते हैं जैसे कि शाही टुकड़ा, ब्रेड का हलवा वगैरह, उसमें हम ब्रेड की किनारियों को निकाल देते हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल ब्रेड क्रम्स बनाने में भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनाएं इसके ब्रेड क्रम्स। ये जो हमने ब्रेड की किनारियाँ ली है, इसको हमने 3 दिन के लिए फ्रीज में रख दिया था। फ्रीज में रखने से क्या होगा कि ये जो ब्रेड की किनारियाँ हैं वो इस तरह से कुरकुरी हो जाएगी। हमने जो 3 दिन से फ्रीज में रखी हुई ब्रेड की किनारियाँ ली है उसको मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करके ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, ब्रेड की किनारियों को हमने मिक्सी जार में दरदरा पीस लिया है। देखिए, हम इसका पाउडर नहीं बनाना, इस तरह दरदरा पीसेंगे। इसी के साथ ब्रेड की किनारियों से बने हुए ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार है। तो तैयार है हमारे दोनों तरीक़ों से बने हुए ब्रेड क्रम्स। ये वाले जो ब्रेड क्रम्स हैं हमने ब्रेड की किनारियों से बनाए हैं, और ये जो ब्रेड क्रम्स हैं ये हमने ब्रेड से बनाए हैं, जिनको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद हमने एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसी तरह हमने जो ब्रेड की किनारियों वाले ब्रेड क्रम्स बनाए हैं, इसको भी इसी तरह के एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इस तरह से हमारे बनाए हुए ब्रेड क्रम्स को हम एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र करके 2 से 3 महीने के लिए फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं। देखा आपने, मार्केट जैसे ब्रेड क्रम्स घर पर बनाना कितना आसान है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और बेल आइकन को प्रेस किए बिना मत जाइएगा।